मेरा नाम है वानिया दीक्षित और आप देख रहे हैं amarujala.com। इस समय हम सेक्टर 119 स्थित आमपाली प्लैटिनम सोसाइटी में हैं। यहाँ पर अमर उजाला संवाद का आयोजन किया गया है। सोसाइटी की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए इस तरह के आयोजन अमर उजाला की ओर से हर सप्ताह किए जाते हैं। इस बार हम आमपाली प्लैटिनम सोसाइटी की समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। सोसाइटी के निवासियों से जानेंगे कि उनके यहाँ किस तरह की समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ पर NBCC की ओर से 2020 से काम किया जा रहा है, निर्माण कार्य किया जा रहा है। अभी क्या स्थिति है और NBCC कैसा काम कर रही है, सोसाइटी निवासी इस काम से कितने संतुष्ट हैं, हम उनसे इस बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, मुझे KK माथुर कहते हैं और मैं यहाँ पे 2012 से रह रहा हूँ। आई हैव बीन इन द फर्स्ट बोर्ड ऑल्सो, सो आई हैव सीन ऑल रिव्यू। तो मैंने यहाँ पे सारे उतार चढ़ाव देखे, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा है। जितने भी हमारे बोर्ड मेंबर्स यहाँ पे आए हैं सब बहुत अच्छे रहे हैं और उन्होंने NBCC 2020 में जो आया, अनलकी हम रहे कि उन दिनों में कोविड भी आ गया था, कोरोना भी आ गया था। मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है और मैं यहाँ का AOA का मेंबर हूँ। यहाँ की समस्या एक्चुअली ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। इसमें एंड टू एंड कनेक्टिविटी, मेट्रो स्टेशन साथ बिल्कुल भी नहीं है, बसेस चलती नहीं है यहाँ पे सेक्टर्स में, और ई रिक्शा की भरमार है जो कि बहुत ही अननेसेसरली ई रिक्शा चल रहे हैं, लेकिन उसमें अगर बस चले या फिर सरकारी ट्रांसपोर्टेशन चले तो बहुत ही सुविधा हो जाएगी उसके लिए। मेरा नाम डॉक्टर अजीत सिंह है, मैं यहाँ पे AOA का सेक्रेटरी हूँ। हमारी समस्याएं जो सोसाइटी के अंदर की समस्याएं हैं वो तो बाकी जनता बताएगी यहाँ की, लेकिन जो आसपास की सोसाइटीज़ की समस्या को देखते हुए और इस सेक्टर को देखूं तो इसमें सबसे बड़ी समस्या जो है वो गंगा जल की है। और प्लैटिनम में गंगा जल का जो रिक्वायरमेंट है उसका 25% गंगा जल ही मिल पाता है। और दूसरी समस्या है बिजली की, जो हमारी फीडर लाइन है वो अभी भी सेक्टर 115 से आती है और जिसके कारण आए दिन आम्रपाली प्लैटिनम और जॉडियत में काफ़ी लंबी बिजली की कटौती होती है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो डिमांड है और बहुत दिनों से है, ये महेश शर्मा जी को भी पता है, पंकज सिंह जी को भी पता है, अथॉरिटी को भी पता है कि 123 में जो आया है पावर स्टेशन, वहाँ से प्लैटिनम को और जॉडिया को अलग से अगर बिजली की सुविधा मुहैया कराई जाएगी तो यहाँ की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी और जो डीजल पे हमारा लाखों रुपया खर्च होता है साल में वो बचेगा। धन्यवाद। मैं आशुतोष अग्रवाल यहाँ पे आम्रपाली प्लैटिनम का निवासी हूँ और इस जगह पर कई सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं हम सब लोग। उनमें से प्रमुखता पे मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे सीवर लाइन चौक हो चुकी हैं, जिसको कई बार हम लोग बोल चुके हैं बट अभी कोई भी समस्या का उस समस्या का कोई समाधान नहीं मिला है। कोई भी अधिकारी इस बात पे ध्यान नहीं दे रहा है। आप अगर गौर करेंगे तो प्लैटिनम के चारों तरफ अब आपको सीवर का पानी बढ़ता चला जा रहा है, जिससे मच्छर, गंदगी सब कुछ बढ़ रही है। ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है बट उस काम पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। मैं सर वादित्य वशिष्ठ, प्रेसिडेंट हूँ RWA आम्रपाली प्लैटिनम से। एक मेजर समस्या है हमारे आसपास में, ट्रैफिक का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। मंडी लगती है हमारे यहाँ, वो मंडी गवर्नमेंट ने, अथॉरिटी ने मंडी के लिए स्पेसिफिक एक जगह दी हुई है, मंडी वहाँ नहीं लगती, मंडी रोड पे लगती है। प्रशासन को कई बार कह चुके हैं, अथॉरिटी ने कह चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक बंजारा फैमिली है, रोड पे उन लोगों ने अपना रेजिडेंस बना लिया है और उसको लेके रोज एक्सीडेंट के चांसेस बने रहते हैं। अथॉरिटी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही है। मेरी रिक्वेस्ट है नोएडा अथॉरिटी से, CO साहब से भी लेटर लिख चुके हैं कई बार, अब प्लीज उसे उसके बारे में कुछ करें, सोसाइटी को हम इस जाम से, इस एक्सीडेंटल जोन एरिया से हमको मुक्ति दिलवाएं। मेरा नाम राजर्षि राज है, मैं प्लैटिनम सोसाइटी का रेजिडेंट 2014 से हूँ। एक बहुत मेजर इशू जो हम रेजिडेंट्स फेस करते रहे हैं पिछले 10 सालों से और हम लोगों ने कई बार गुहार भी लगाई है, वो है सोसाइटी का एक्सटर्नल रिपेयर और पेंटिंग। ये इशूज हमने अथॉरिटी से कई बार इसके बारे में जिक्र किया है। NBCC को आए हुए 5 वर्ष हो गए हैं लेकिन अभी तक इस समस्या पर किसी का कोई ध्यान नहीं गया है। आसपास की सोसाइटी से कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि आम्रपाली प्लैटिनम में बाहरी तौर पर बहुत कुछ काम पेंडिंग है। अथॉरिटीज से हमारी ये गुहार है कि इस इशू को प्रायोरिटी पर रखकर तुरंत से तुरंत इसका निवारण किया जाए। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो है इंक्रोचमेंट्स। इस एरिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसके कारण ये देखा जा रहा है कि चाय की टपरी, पान की टपरी, जगह जगह पर ये सब चारों तरफ से सोसाइटीज़ को घेर लिया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक मूवमेंट में डिफ़िकल्टी हो रही है और सड़क पे भीड़ बढ़ रही है। इसके लिए अथॉरिटीज़ को इस चीज़ को रेगुलराइज करना चाहिए।
तो ये थी आम्रपाली प्लैटिनम सोसाइटी निवासियों से बातचीत। उम्मीद है कि शासन प्रशासन इन बातों का संज्ञान लेंगे और इन समस्याओं का निस्तारण भी कर सकेंगे। और आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।